तो हेलो गाइस, मैं हूँ जीपीजे बॉयज और आज हम Q&A करने वाले हैं हमारे 2K सेलिब्रेशन के लिए। तो चलो यार Q&A स्टार्ट करते हैं। आदित्य भाई ने हमारे भाई ने मेरे को क्वेश्चन पूछा है कि आपने गेमिंग चैनल स्टार्ट किया, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? तो देखो, इसका कोई फिक्स मतलब मेरे पास कोई ऐसा रीजन नहीं था, बट हाँ मेरे को पता था कि मैं गेमिंग करता हूँ, मतलब मैं गेम खेलता हूँ। मेरे में ऐसी क्वालिटी थी कि मैं जब गेम खेलता हूँ ना, पीसी पर भी खेलता हूँ, तो मेरे पास अगर कोई बंदा बैठा हो ना, उसको मैं बोर नहीं होने देता। लाइक मैं उस पर हमेशा कॉमेंट्री करते रहता और कुछ फनी मोमेंट्स करते रहता। गेम कितना भी सीरियसली हो, मैं उसे फनी वे में लेता हूँ और एंटरटेनमेंट में कर सकता था बंदों का। सो बस यही किया यार फिर मैंने अपने लाइफ के साथ। तो ये क्वेश्चन मेरे को मोस्टली पूछा गया है कि आप पबजी कब खेलोगे। सो यार पहली बात तो ये, मेरे इस चैनल पे जीपीजे बॉयज पे मिनी मिलिशिया की बहुत अच्छी ऑडियंस है मेरी, और पबजी के ऑडियंस भी है, नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। बट बात ये है, मेरे पास ये वाला डिवाइस है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसकी नीचे वाली पूरा मतलब बटन्स कुछ काम नहीं करते। सो अभी बता नहीं कैमरे में ठीक से आ रही नहीं आ रही। तो इस मोबाइल में ये J2 है, इसमें पबजी चलती नहीं है, चलती है तो मेरे को थोड़ा सा सब कुछ झोल करना पड़ता, और इसमें पबजी बहुत मुश्किल से चलता है, तो स्ट्रीम बहुत दूर की बात है मेरे भाई लोग। और जो बंदे सोचते होंगे मैं पहले तो पबजी की स्ट्रीम करता था, वो मैं पीसी से करता था, ये मोबाइल है। सो ऐसी कोई बात नहीं, मैं पबजी खेलना नहीं चाहता। मेरी खुद की एक ऑफिशियल टीम है जिसमें जयेश, मैं और बाकी सब बंदे खेलते रहते, वो स्पोर्ट टीम है। हम PMCO खेल चुके हैं, बहुत सारे कस्टम्स भी खेल चुके हैं। सो ऐसी बात नहीं, हम पबजी खेलना नहीं चाहते, मैं भी खेलना चाहता हूँ, बट अभी जैसे जैसे यूट्यूब अर्निंग देता जाएगा वैसे देखेंगे। आप पहले मोनेटाइजेशन तो ऑन होने दो भाई लोग। सो ये क्वेश्चन मेरे को फर्स्ट टाइम किसी ने पूछा है, शायद पूछा भी होगा इससे पहले, मेरे को बता नहीं। बट हाँ, मेरा ड्रीम क्या है, तो मेरा ड्रीम ये है बस कि मैं पढ़ाई के अलावा कुछ अलग करूँ। मेरे सोसाइटी वगैरह जो भी है यहाँ पे, इन लोगों की एक थिंकिंग है कि जो बंदा पढ़ाई नहीं करता वो आगे बढ़ नहीं सकता, या फिर ये जो गेम वगैरह खेलना है ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। सो घर वाले भी यही सोचते हैं कि गेम वगैरह में जो खेलता हूँ ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मेरे को उन सबको बस दिखाना है कि ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि आप गेम खेल के आप कुछ कमा नहीं सकते, या फिर आप कोई मतलब क्या है अगर बंदा गेम खेलता है, लाइव स्ट्रीमिंग करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब मेरे घर वालों को मेरे पे प्राउड होगा कि ओके मेरे बेटे ने कुछ कर दिखाया है, वो किसी को बता पाएंगे मेरे बारे में, वही मेरा ड्रीम है बस। और कुछ नहीं, ऐसा कोई बड़ा ड्रीम नहीं मेरा कि मेरे को यूट्यूबर ही बनना है, बस मेरे घर वाले को मेरे बारे में प्राउड हो, बस यही मेरा ड्रीम है। जो बंदे मेरे को बोलते रहते हैं कि हमेशा मतलब अभी भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे कि आप फ्री फायर खेलो, तो देखो फ्री फायर में खेलना चाहता हूँ, मैं खुद भी खेलना चाहता हूँ, बट वो थोड़ा सा जो पबजी खेलते हैं ना बंदे, उनके लिए वो बहुत लो ग्राफिक्स गेम हो चुका है अभी, और मेरे लिए भी, क्योंकि मतलब आप अगर मूवमेंट देखोगे पबजी में जो बंदे से हम खेलते हैं और फ्री फायर में जिस बंदे से खेलते हैं, मूवमेंट बहुत अलग होती है, इसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, और मैं एक तो खेल सकता हूँ एक तो स्ट्रीम कर सकता हूँ। सो यही प्रॉब्लम है बस, बाकी फ्री फायर पबजी में मेरे को कोई ऐसा डाउट नहीं है कि मेरे को यही पसंद है ये पसंद नहीं है। सो इसमें खुद को बिल्कुल मत घसीटिए, दोनों गेम मेरे लिए बिल्कुल सेम है, और मैं ट्राई करूंगा आगे जैसे मैं मोबाइल वगैरह लूंगा तब ट्राई करूंगा दोनों गेम खेलो। तो चलो यार अभी इसी से सही मानो। तो पहली बात तो अयोन, मिनी मिलिशिया हमने बहुत पहले, जब मैं मेरे ख्याल से कुछ 15 साल का था, तब मिनी मिलिशिया हमारे फर्स्ट टाइम सब बंदों में आया था, मतलब तभी वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, मतलब फर्स्ट टाइम हमें पता चला था कि हम मोबाइल में ज्वाइंट होके खेल सकते हैं। तो मिनी मिलिशिया मेरे ख्याल से हर वक्त हर एक बंदे को बता था कि उस वक्त मिनी मिलिशिया बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, जैसा पबजी अभी है वैसा तब मिनी मिलिशिया था। और मेरे ख्याल से 2015 से ही मैंने मिनी मिलिशिया खेलना स्टार्ट किया था, ऑफलाइन हम वाईफाई वगैरह से ज्वाइन करके खेला करते थे मेरे, और एक बंदे ने मेरे को हैक भी लाके दिया था जिसमें हम 18 बंदे कुल मिलकर खेलते थे, मतलब सबके सब, और बहुत मजा करते थे यार। सो ऐसा नहीं, मैं मिनी मिलिशिया ओनली स्ट्रीमिंग के लिए स्टार्ट किया, मैं बहुत मतलब ऑफलाइन भी अपने बंदों के साथ खेलता हूँ, बहुत मजा करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं मैं बस स्ट्रीम पे करता हूँ। सो पहले बात तो, जब मैंने फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम किया था तो उस वक्त मैं किसी स्ट्रीमर को जानता ही नहीं था, पहली बात तो मेरे को बता भी नहीं था मिनी मिलिशिया का कोई लाइव स्ट्रीम करता है। मैंने जब सर्च किया था तब बहुत 2-2 साल पुराने वीडियो आए थे, तो मेरे को लगा था मैं अकेला हूँ, बट जैसे जैसे मैं सर्च करने लग गया, मेरे को नमन गेमर आई थिंक फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने मिनी मिलिशिया के लाइव स्ट्रीम करते हुए देखा था, और उसके बाद बहुत से बंदे, अभी बस दिव्याम का नाम लेना चाहूंगा मैं यहाँ पे, दिव्याम है, अयोन है,
उस वक्त मेरे ख्याल से गौरव भी स्ट्रीम करता था। हाँ गौरव है। और यूट्यूब फ्रेंड की अगर बात करें तो सबसे पहले मेरे ख्याल से मेरा एच बी ऐसा बंदा है जिससे मैं सबसे पहले मिला, मतलब यूट्यूब से बाहर कोई बंदा मेरे को अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइंट हुआ हो तो वो एच बी गेमिंग था। उसके बाद ओपी आया मेरे ख्याल से, बट वो तो प्लेयर है। कोई नहीं, बट ये सब आए थे। और उसके बाद सबसे पहले मतलब स्ट्रीमर की अगर बात करें तो अयोन तू तू ही पहला बंदा था जिससे मैं बाहर कहीं मिला हूँ। बहुत से बंदों ने मेरे को यह सवाल पूछा है कि आपकी 1K तक की जर्नी और उसके बाद अभी जो 2K हुए है उस तक की जर्नी बताओ। बहुत से बंदों को बताया नहीं है। सबसे पहले 2016 को मेरे ख्याल से मैंने एक यूट्यूब चैनल ऑन किया था, मतलब एक ईमेल एड्रेस शुरू किया था जब मेरे को बताया चला था कि यूट्यूब पे भी वीडियोस डाल सकते हैं। उसके बाद अभी शॉर्टली बता देता मैं ऐसे ही वीडियोस मतलब जहाँ भी कुछ दिखे उसका वीडियो डाल देता था उठा के, मतलब कुछ भी कर देता था। मेरे को तब बता ही नहीं था यूट्यूब पे ओनली मतलब रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, किस वक्त पे व्यू आते, क्या करना चाहिए, मेरे को कुछ बता ही नहीं था। मोबाइल ही नहीं था भाई, मैंने किसी और के मोबाइल से ईमेल एड्रेस बनाया था, उसी से वीडियो अपलोड किया करता था। आज इसके मोबाइल में अपलोड किया कर किसी और के मोबाइल से ऑन कर लेता था। तो मेरे को कुछ उस वक्त बता ही नहीं था यूट्यूब के बारे में। तो मैंने ऐसे कुछ वीडियो अपलोड किए, उस पर मेरे को 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई। फिर स्ट्राइक्स के बारे में पता चला कि 2 स्ट्राइक पड़ने पर चैनल चला जाता है, 3 स्ट्राइक पड़ने पर। मैंने कहा कि ओके यार चलो अभी वीडियो नहीं डालते। उसके बाद मेरे दोस्त जो जीपीजे है वो ज्वाइंट हुए मेरे को। उसके बाद मेरा मतलब सब बता चला मेरे को कि यूट्यूब पे क्या क्या है, क्या रिपीटेड वीडियो वगैरह डालने से क्या होता है। बहुत सारी चीजें पता चली। उसके बाद हमने हमारी खुद के वीडियोस बनाए जिससे कॉमेडी वगैरह बोल सकते हैं आप। उस पर हमने मेरे ख्याल से 500 सब्सक्राइबर तक हम वही थे जब मैं कॉमेडी वीडियोस डाला करता था अपने। उसके बाद मतलब जब कॉमेडी वीडियोस पे रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, मतलब मैं ही खुद भी उससे मतलब थोड़ा सा मेरे को मजा नहीं आता था कॉमेडी वीडियोस बनाने में। फिर जयेश ने भी अपना थोड़ा सा उससे इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर प्रशांत अकेला हो गया था, उसने भी वो छोड़ दिया फिर वीडियो बनाना। फिर हमने वो वीडियोज रिलेट किए, तब हमारे 700 सब्सक्राइबर तक हो चुके थे आराम से। तो हमने वो छोड़ दिया। उसके बाद हमने ना मतलब कुछ ऐसे क्या लव स्टोरीज डालना स्टार्ट किया था, लव स्टोरीज वाले वीडियोस या फिर कुछ अलग वीडियोस डालना स्टार्ट किया था, जैसे कि रोमांटिक सॉन्ग्स वगैरह ऐसा कुछ डालना स्टार्ट किया था। और उस पे हमारे 1K कंप्लीट हो गए थे। ओके 1K फुल कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद मेरा चैनल फर्स्ट टाइम बैन हुआ था, कोई रीजन नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं, कोई कुछ नहीं, चैनल बैन हो गया था। पूरे वीडियोस चले गए, सब्सक्राइबर्स इन थॉट वैता नहीं कैसे बट वापस आ गए। और उसके बाद 2K या 3K मेरे मतलब 1.2 या 3K कंप्लीट हुए। उसके बाद भी जब मैंने स्टार्ट किया था मिनिमलिशिया स्ट्रीमिंग, उस वक्त भी मेरा चैनल बैन हुआ था बिना किसी रीजन, बिना कोई प्राइवेसी वगैरह कुछ भी। और उसी वक्त तक अब तक की जर्नी तो भाई आप देख ही चुके हो अभी। ये क्वेश्चन भी आया है मेरे को, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं आया है कि आप किसी को हेट करता है करते हो क्या, या फिर आपको कोई हेट करता है क्या? तो मेरे लिए कोई माइंड नहीं करता। यूट्यूबर सब अब दोस्त होते हैं, जो भी लाइव स्ट्रीमर आप देखते हो, जो भी मिनिमिलिशिया के अदर लाइव स्ट्रीमर्स है वो मेरे दोस्त ही है। हम बाहर कनेक्ट ना हो फिर भी हम दोस्त होते हैं। और जो स्ट्रीम पे होती है बातें वगैरह वगैरह, जो किसी को और को बोला जाता है मेरी तरफ से या फिर वो मेरे बारे में कुछ बोलता है, तो वो बस मैं एक दिन ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद में उसे याद नहीं रखता। सामने वाला रखता होगा तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को मेरे स्ट्रीमिंग और मेरे सब दोस्तों से लेना देना है, बाकी मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो मैं किसी से हेट करता ही नहीं, मेरे को बस हंसना पसंद है। तो आप भी हंसो, हेट वगैरह ये सब चीजें अपने से दूर रखो। पहली बात तो ये कि मतलब घर वाले तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे यार, क्योंकि मतलब मेरे घर वाले भी थोड़ा सा इंजीनियर है, मतलब मेरे पापा भी इंजीनियर है और मतलब पूरी फैमिली एजुकेटेड है। फिर भी मतलब ऑनलाइन वगैरह ये सब अपने कम्युनिटी तक अभी पहुंचना बाकी है। हमारे घर वालों को अभी पता नहीं है कि इसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। मतलब ये सब चीजें अभी घर वालों को पता नहीं है यार। देखो और ऐसी बात नहीं है आपके घर वाले बात करते, मेरे घर वाले नहीं करते। मुझे भी बहुत ज्यादा डांट पड़ती है जब घर वाले मेरे वीडियो वगैरह देखते हैं। पहली बात तो उनको थोड़ा समझ नहीं आता यूट्यूब वगैरह, इसलिए मैं थोड़ा सा बच जाता हूँ क्योंकि उनको लाइव स्ट्रीमिंग समझ में नहीं आता। तो मतलब बात ये है, एक फाइनली ये बताऊंगा, मेरे घर वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं कोई लाइव स्ट्रीम करूँ। मैं उनको खुद ही बताता रहता हूँ कि मेरे को यही करना है, एक तो मैं पढ़ाई करूंगा एक तो मैं यही करूंगा। तो वो मेरे को ऑप्शन दे देते हैं, ओके ठीक है तू ये कर सकता है, बट उससे पहले मैं उनको पढ़ाई करके दिखाता हूँ, उसके बाद ही मेरे को लाइव स्ट्रीम करने की इजाजत मिलती है। पहले पढ़ाई मेजोरिटी करो, क्योंकि अगर लाइव स्ट्रीम का कोई है नहीं यार अभी वजूद, सोचो आज यूट्यूब है कल यूट्यूब नहीं है तो आप क्या करोगे। पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी दिया करो, उसके बाद यूट्यूब तो है ही यार अपना। ओके
सो गौरव भाई, आपने पूछा था कि YouTube पे आने के बाद मेरा सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बुरी चीज़ क्या हुई थी। तो YouTube जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे अच्छी चीज़ तो मेरे एक ट्रेलर डाला होता है एक मूवी का, तब मेरे को मतलब लाइव स्ट्रीम वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। तब मेरा वो ट्रेलर 300 के आसपास पहुंच चुका था, तो वो मेरी अब तक की सबसे अच्छी अचीवमेंट थी। बट वो मेरी नहीं थी, मतलब उसमें मेरा कोई हार्डवर्क नहीं था, मैंने बस उसे कहीं से उठाया था और डाल दिया था। बट मेरा सबसे अच्छी चीज़ इसके और रखा जाए तो मेरी 24 की वॉचिंग आई है कुछ दिनों पहले, वो एक था। और सबसे बुरी चीज़ तब थी कि जब मेरा फर्स्ट टाइम चैनल बैन होके वापस आया था, उसके बाद मेरे को मतलब उसके बाद कोई रीज़न नहीं था, मेरा पूरा चैनल सही चल रहा था, उसके बाद भी मेरा चैनल वापस से बैन कर दिया गया था। और भाई क्या ही सियापे हुए थे, अभी क्या ही बताओ। कोई नहीं, फिर भी ये तो चलता रहेगा, यूट्यूब पे फिर भी हमें रहना है, प्लेटफॉर्म हमारा है, कोई नहीं, होता रहता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने 2016 में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मतलब एक ईमेल एड्रेस बनाया था, मेरे को पता चला था कि चैनल वगैरह से अर्निंग होती है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया था। बट जैसे जैसे यूट्यूब में मैं आता गया और आगे आगे बढ़ता गया, अभी 2K फैमिली हुई मेरी, बाद में पैसे कोई मायने नहीं रखते, आपको उनसे मतलब उनसे खुशी मिलती है जिनको आपको देखकर खुशी होती है। मतलब अगर आप लाइव आते हो तो उनको अच्छा लगता है, अगर आप लाइव नहीं आते हो तो वो अपने कमेंट डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक्सपीरियंस एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। और रही मेरी फैमिली की बात, तो फैमिली मतलब इतना ज़्यादा तो मेरे को सपोर्ट नहीं करती, बट हाँ उनको बताए कि मेरा बेटा करता है, कुछ तो करता है यूट्यूब में, मतलब मैंने पूरा ही अंधेरे में नहीं रखा है उनको, उनको बताए बट उनको फिक्स नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ। वीडियो वगैरह भी देखे उन्होंने मेरे, बट वीडियो उनको समझ ही नहीं आता पहली बार, तो कमेंट पढ़ रहा बच्चा गेम खेल रहा, सो इतना कोई बड़ा इशू नहीं हुआ। पहली बात तो ये, जब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब में आया था ना, तब मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कॉपीराइट कोई इशू होता है। बाद में जब मैंने वीडियो बनाए बनाए तो नहीं थे मैंने, वो दूसरे से उठाकर ही डाले थे, तो उस पर तो कॉपीराइट का कोई सीन नहीं था। बट बहुत बंदों का ये कहना था कि आपने ये देवल बन वाले वीडियो नहीं डालने चाहिए थे। तो बात ये था, मतलब सीन तब यही था कि लॉस्ट बॉय गेमिंग ने मेरे को बोला था कि तेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता, बिकॉज क्यों, क्योंकि मतलब तू फालतू वगैरह के वीडियो वगैरह बनाता है, ऐसा नहीं बोला था, मतलब बोलने का सीन ही ऐसा था उसका। तो उस वक्त मेरा दिमाग थोड़ा सा भटक गया था, और फिर मेरे को लगा था कि यार अभी उसका चैनल मोनेटाइज हो गया, मैं 4 साल से हूँ, तो मेरे को भी ऐसी चाह होने लगी कि यार मेरा भी वॉच टाइम जल्दी हो जाए, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाए थे। और सीन ये था कि आप लोगों से भी मैंने ये बात शेयर की थी कि मेरा वॉच टाइम बहुत कम आ रहा है, क्योंकि मैं 1 घंटा स्ट्रीम करता था, और वो मेरे ख्याल से सुबह 3 घंटे शाम को 3 घंटे स्ट्रीम किया करता था, तो मेरे को ये कंपटीशन अभी नहीं हो रहा था मेरे से, क्योंकि 3 घंटा मतलब मेरा मोबाइल बिल्कुल जान ही छोड़ दे रहा था, और मुश्किल से 1 घंटा मेरा मोबाइल चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई शॉर्टकट यूज करते हैं, बट यूट्यूब ने मेरे को अच्छी तरह से वहाँ पे ट्रीट किया है, थैंक्स टू यूट्यूब कि उसने मेरे को कॉपीराइट दिया और वापस से सही समेत मेरे को वापस से मेहनत के लिए रखा है। मेरे को ऐसा ही यूट्यूब पसंद है जिसमें मतलब कॉपीराइट वगैरह का इशू है, क्योंकि यही हमें सिखाता है कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे बंदों ने पूछा है कि आप एक्चुअल में रहते कहाँ हो। सो मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, इंडिया महाराष्ट्र, और उसमें जलगांव नाम का एक शहर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। और ये सवाल भी बहुत बंदों ने पूछा है कि मेरी एज क्या है। मेरी एज 20 ईयर्स है, अभी इस जुलाई को मैं 20 ईयर्स का फुल कंप्लीट हूँगा, 21 ईयर्स रनिंग होंगे मेरे को। ओके, और सेकेंड सीन ये है कि बहुत से बंदों ने मेरे को ये पूछा है कि आपके सबसे कम मार्क्स कितने आए थे और कब आए थे। तो मेरे को 10th क्लास में 69% आए थे, ये कोई फन नहीं है, ये रियलिटी में 69% आए थे मेरे को 10th के बोर्ड में। ये क्वेश्चन मेरे को खुद को भी है और बहुत सारे बंदों ने अभी कमेंट भी किया हुआ है, मैंने पहले भी इसको मेंशन किया हुआ है, फिर भी एक बार, कि मेरा मोनेटाइजेशन रूल में एक्टिवेट हुआ है नहीं हुआ है, या फिर मैं क्या गलत डालता हूँ। सो सीन ये है कि मेरा 4000 वॉच टाइम 2 बार कंप्लीट हो चुका है। पहली बार जब मैं गलत वीडियोस डालता था तब तो ठीक है, यूट्यूब ने तब मेरे को मतलब ना बोल दिया, ओके कोई बात नहीं उसका। उसके बाद जब मैं लव स्टोरी वाले वीडियोस डाल रहा था ना, कॉमेडी वाले, इन सब का वॉच टाइम बहुत हो चुका था, 4000 कंप्लीट हो चुका था, मतलब मोनेटाइजेशन एक्टिवेट हो चुका था भाई लोग। एक्टिवेट होने के बाद जो कोड वगैरह आते ना उसका मैं वेट कर रहा था, बट उससे पहले जस्ट मतलब मोनेटाइजेशन के 2 दिनों बाद मेरा यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर दिया गया विदाउट एनी रीजंस, तो मेरा मोनेटाइजेशन फुल डीएक्टिवेट, फुल मतलब 0 वॉच टाइम, 0 व्यूज और 1K वॉच टाइम, मतलब 1K सब्सक्राइबर्स मेरे, ऐसा चैनल मेरे हाथ लगा था। उसके बाद 0 वॉच टाइम 0 व्यूज के साथ मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर
फिर एक बार जीपीजे बॉयज आगे आया है, अभी 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं और अभी 1800 वॉच टाइम है अपना खुद का वापस से बनाया हुआ। सो मोनेटाइजेशन रूल के लिए अभी मैं अपीयर नहीं हूँ, बट मैं दो बार हो चुका हूँ, बट बता नहीं अभी यूट्यूब को क्या दुश्मनी अपने से। कोई नहीं, और मेहनत करेंगे, वापस से मोनेटाइजेशन करेंगे। ओहे गाइज, ये हमारा 2K सेलिब्रेशन का Q&A वीडियो था। जिनके क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया हूँ उनके लिए सॉरी यार, बट अभी GF वगैरह या फिर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उनका मेरे पास आंसर नहीं है अभी के लिए, क्योंकि यार अभी तक सिंगल हूँ मैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जिनके मैं आंसर नहीं दे पाया। बहुत से बंदों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा है, अरे हाई कौन पूछता है भाई, Q&A में हाई पूछ के क्या कर लोगे आप लोग। यार थोड़ा सा और मजा करेंगे, अभी आगे का Q&A देखते हैं कब रखना है। बट अभी जल्दी से अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन है लाल वाला नीचे, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। और रोज हम लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं, रोज मतलब रोज नहीं, अभी एक जीपीजे लाइफ नाम से अलग से मैं चैनल बनाने वाला हूँ जिसपे हमारे रेगुलर वीडियोज आएंगे, जिसपे हम बस जीपीजे मतलब हम तीन बंदे जो जीपीजे है वो लाइफ कैसे जीते है, या फिर हर बंदे को अगर बिंदास लाइफ जीनी है वो कैसे जी सकता है, तो उसके वीडियोज में वहां पे डालने वाला हूँ। तो वो शायद मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मैं लाइव स्ट्रीम पे बता दूंगा। उसको भी जाके सब्सक्राइब करो, करना है तो, उससे कोई मतलब ये नहीं है, वो अलग रहेगा पूरा सीन। तो जल्दी से यार फिर लाइक करो सब्सक्राइब करो और मिलते हैं यार फिर अपने लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय।